नमस्कार दोस्तों, यदि आप राजस्थान पुलिस या राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस घंटे के आइकन को भी दबा दीजिए। यहाँ पर हम रोज़ राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉक टेस्ट लेकर आते हैं और ये वे प्रश्न होते हैं जो राजस्थान के एग्ज़ाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं और हम जल्दी ही इंडिया जीके के ऊपर भी मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक है, अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजपूताना के नाम से। प्रश्न नंबर दो, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य की कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 जिलों की सीमा रेखाएं। प्रश्न नंबर तीन, अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बरखान। प्रश्न नंबर चार, रबी की फसल बोई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवंबर में। प्रश्न नंबर पाँच, राजस्थान में खो दरीबा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीसा एवं जस्ता। प्रश्न नंबर छः, नागौर जिले में राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1978 में। प्रश्न नंबर सात, राजस्थान के किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतापगढ़ की। प्रश्न नंबर आठ, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, माही नदी। प्रश्न नंबर नौ, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांडी नदी का। प्रश्न नंबर दस, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्वेत क्रांति से। प्रश्न नंबर 11, तेंदू के पत्ते मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं? वह है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांसवाड़ा में। प्रश्न 12, अमृता देवी मृगवन स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, खेजड़ली। प्रश्न नंबर 13, डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिण भाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड़ देंगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रतलाम स्टेशन से। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान का पहला ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिला बाड़मेर में। प्रश्न नंबर 15, विधानसभा अध्यक्ष त्याग पत्र देता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपाध्यक्ष को। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विधानसभा को स्थगित करने की। प्रश्न नंबर 17, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 18, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। प्रश्न नंबर 19, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोटा। प्रश्न नंबर 20, कालीबंगा अवशेष किस नदी के किनारे पर मिले हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरस्वती नदी के किनारे पर। प्रश्न नंबर 21, फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राव मालदेव को। प्रश्न 22, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रैल 1942 में। प्रश्न नंबर 23, दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारायणा में। प्रश्न नंबर 24, जोधपुर में नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महामंदिर। प्रश्न नंबर 25, सुगाली माता किसकी कुल देवी है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहुआ के ठाकुर परिवार की। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंजर। कंजर जनजाति वह है जो अपने मकान के दरवाजे को बंद नहीं रखती है। प्रश्न नंबर 27, नोहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोगा जी का मेला। प्रश्न नंबर 28, गुडला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मारवाड़ क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 29, नेवर आभूषण पहना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पावों में। प्रश्न नंबर 30, बडार क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज। दोस्तों, आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।